ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, जैसे ये रेत के ऊपर बैठ जाते हैं और ये जो है नीचे पानी है। और ये देखिए पानी का, और ये नीचे कुआं भी खोद रखा है और ये तालाब का भी पानी आ रहा है इधर। अभी उदयपुर के रास्ते में रुका हुआ हूँ, तो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन है रहट, जिसको अंग्रेजी में पर्शियन व्हील कहते हैं, पानी खींचने का है। तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, चलते हैं आगे। ये देख सकते हैं सामने, और टूरिस्ट भी यहाँ फोटो खींचते हुए वीडियो बनाते हुए। ये देखिए सामने रेट, और उदयपुर क्षेत्र में आज भी पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, तो बैलों से रेट चलाया जाता है। ये सामने से देखिए बैल के द्वारा जो रेट है। और ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, जैसे ये रेत के ऊपर बैठ जाते हैं और ये जो है नीचे पानी है। और ये देखिए पानी का, और ये नीचे कुआं भी खोद रखा है और ये तालाब का भी पानी आ रहा है इधर। तो ये देखेंगे, तो पहले के ज़माने में तो क्या होता था कि सारे मिट्टी की बनी हुई होती थी ये जो छोटी छोटी बाल्टी नुमा है, अब क्या है लोहे की है और हल्की है, तो ये बैलों से खींचा जाता है। और ये जैसे ही पानी देख के भर भर के ऊपर आती है, और ये ऊपर इस नाली में पानी गिरता है, और ये इस नाली के थ्रू आगे ये खेतों तक पहुँचाया जाता है। ये खेतों तक पानी जाने का रास्ता है, और ये टूरिस्ट भी फोटोग्राफी करते हुए है। और विलेज लाइफ का अपना आनंद अलग है, टूरिस्ट को देखने का भी शौक होता है कि रियल इंडिया जो है हम देख सके। वो देखिए मेरा क्लाइंट सामने फोटोग्राफी कर रहा है। और एक ग्रुप टूरिस्ट का यहाँ पे और रुका हुआ है। वो थानो खेत है, खेत थानो है। अच्छा खेत अटी कहीं भाई ओड़ो धान कहीं गहू गहू पाया कहीं पाया। अच्छा गहू, अच्छा या ये और अब मैं उस साइड से आपको दिखाता हूँ कैसे पानी ऊपर खींचा जाता है बैलों से।
ये तालाब भी है यहाँ पे, और ये कुआं भी खुदा हुआ है, तालाब के अंदर आ गया एक्चुअली कुआं। हालांकि कुएं यहाँ पे अलग से भी होते हैं, लेकिन ये इनके फायदा भी है तालाब के पास में, तो पानी की कमी नहीं रहती। सूरज सामने होने की वजह से थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देखिए अब शायद क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए ये नीचे से कैसे पानी, जो एक इन बाल्टियों की जैसे माला बनी हुई हो, तो ये पानी में जाती है और भर जाती है, और ये ऊपर ये है जो भरी हुई है, और ये खाली नीचे जा रही है। ये देखिए तो आज भी गांव में ट्रेडिशनल जो है बिना बिजली के पानी खींचने का और खेतों को सिंचाई करने का राजस्थान में मौजूद है, क्योंकि कई बार ये देखा कि राजस्थान के बारे में लोग सोचते हैं सिर्फ डेजर्ट और रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पानी भी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे ऐसे विलेज लाइफ से रिलेटेड और राजस्थान टूर से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है अभी हम रोड साइड में, यहाँ जोधपुर से उदयपुर जाते हुए वाया रणकपुर होते हुए, तो यहाँ पे रुके हैं।